कानपुर शहर के चर्चित किसान बाबू सिंह यादव सुसाइड केस में फरार चल रहा बीजेपी नेता आशु दिवाकर बीते एक महीने से पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस छापेमारी तो कर रही है लेकिन बीजेपी नेता का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुसाइड केस में आरोपी की गिरफ्तारी ना कर पाने पर कानपुर पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच पुलिस ने फरार चल रहे नेता आशु दिवाकर पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी। वहीं बता दें कि इससे पहले ये राशि 50,000 रुपए थी। वहीं मंगलवार को पीड़ित परिवार कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। इस दौरान परिवार ने आरोपी आशु दिवाकर के घर की कुर्की और उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर बुलडोजर चलाने की मांग की। आरोप है कि स्थानीय बीजेपी नेता आशु दिवाकर ने किसान की 6 करोड़ की जमीन हड़प कर व्यापारी के हाथ बेच दी। आशु ने किसान को जमीन के बदले 6,20,00,000 का फर्जी चेक दिया, फिर उसे वापस ले लिया। इससे परेशान होकर किसान ने मौत को गले लगा लिया। हम उनसे इस वजह से मिलने आए थे कि जो प्री रंजन है और जितेंद्र है इसके ऊपर 82 और 83 लगे, उसके ऊपर कुड़की हो और बुलडोजर चले, क्योंकि अभी तक बुलडोजर किसी के ऊपर नहीं चल पाया है। सीएम जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुलडोजर चले। उसकी जगह अगर हमारे पापा होते तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता, सीएम जी अब तक बुलडोजर चला चुके होते, तो क्या अब तक उसके घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला? अब तक हमारी खेती क्यों हमारे नाम नहीं आई? अभी हमारे पापा को क्यों न्याय मिला है? मामले में ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इनाम की रकम को 1,00,000 कर दिया गया है। आरोपी के साले से भी हम पूछताछ करेंगे क्योंकि एग्रीमेंट में वो विटनेस। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर हाल में सही सही कार्यवाही समय से होनी चाहिए। हम लोगों ने लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, सारी विवेचना पूरी की है। आशु रंजन दिवाकर और बाकी बच्चे अभी जो कि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं उनके लिए हमने 82 की नोटिस ली है। कल माननीय उच्च न्यायालय से आदेश भी आशु रंजन दिवाकर के रिट पिटीशन के ऊपर खारिज करते हुए आया है। आज हम उनके खिलाफ भी 82 ले रहे हैं और जो हमारी फरार घोषित करने की कार्यवाही है, कुड़की की कार्यवाही है और जो अन्य कार्यवाही है विवेचना में, वो सब कुछ समय से किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए कुछ और भी प्रयास किए गए हैं, जैसे इनाम की राशि को बढ़ाना, 1,00,000 का इनाम किया जा रहा है। साथ ही कुछ और भी ऐसे लोग या सूत्र हैं जिनको एग्जामिन करना और जो बचे हुए प्रयास हैं उनको पुनर्परीक्षा करके उनको भी किया जाना, तो सारे प्रयास समीक्षा करके पुनः किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उधर आशु दिवाकर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। सोमवार को उसकी FIR खत्म करने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस अब उसके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी करने जा रही।